दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो न्यूज़ आई है कि हर पैन कार्ड होल्डर को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी है। अगर नहीं कराते हैं 30 जून 2021 तक लास्ट डेट है, यदि आप नहीं कराते हैं उसको लिंक, तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और जो भी आप टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पैन कार्ड के थ्रू फिल करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं सभी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई वेबसाइट भी लॉन्च की है जो कि है incometaxindia.gov.in। तो आप गूगल पे जाके इसको टाइप करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे सीधे वेबसाइट पर। अब वेबसाइट पर आने के बाद में आप इसको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा गो टू ई फिलिंग वेबसाइट फॉर पैन आधार लिंकेज। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अभी इसको दूसरी वेबसाइट पर ले जाने वाला है या दूसरे पेज पर, तो इसको यस कर दीजिएगा। अभी दूसरा पेज खुल रहा है, तो जैसे ही ओपन होता है तो हमको कुछ डिटेल फिल करने को बोलेगा। तो यदि आपका आधार पैन से लिंक है तो आप कर पाएंगे इससे, और अगर लिंक नहीं है तो आप इससे कर पाएंगे लिंक, और अगर पहले से ही लिंक है और आपको पता नहीं है तो वो भी जानकारी मिल जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है ये पैन नंबर के बारे में, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पैन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, इसका जिस पैन नंबर के लिए मुझे ये चेक करना है वो डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब आधार नंबर पूछ रहा है ये साथ में, तो अब आधार नंबर डाल देते हैं कि किस आधार नंबर को हम लिंक करना चाह रहे हैं। ओके, देन अब ये पूछ रहा है कि नेम क्या है आपका आधार कार्ड में, तो नाम भी दे देते हैं हम, जो हमारा नाम है आधार कार्ड में। अब आगे एक और चीज़ पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो कि आपका आधार से लिंक हो या शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे भी लिंक हो। ओके, देन एक चीज़ ये पूछ रहा है ये यहाँ पर कि आपका जो है जो आधार कार्ड है, क्योंकि जब शुरुआत में आधार कार्ड बन रहे थे तो उसमें कईयों में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई थी, तो वो इसी बारे में पूछ रहा है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड और आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। तो आई एग्री तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपके आधार कार्ड में केवल ईयर लिखा है तो आप इस पर क्लिक कर दें, और अगर फुल डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आधार कार्ड में तो इसको क्लिक ना करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ लिंक आधार पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए जैसे लिंक आधार पे क्लिक किया तो हमको एक OTP आने वाला है। अब ये OTP जो है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे की साइट पे जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस पे आने वाला है। तो अब वो OTP आ गया है, मैं OTP डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, अब देन वैलिडेट करते हैं यहाँ पर। तो वैलिडेट करने के बाद में यहाँ लिखा आ रहा है मुझे मैसेज कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार, और यदि आपका पहले से लिंक है तो इस तरीके का मैसेज आएगा, और अगर लिंक नहीं है आधार पैन कार्ड के साथ में तो यही प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज लिखा आ जाएगा कि योर पैन नंबर इज सक्सेसफुली लिंक्ड विद आधार। तो ये था तरीका कि कैसे आप आपका आधार को पैन कार्ड के साथ में लिंक कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, अन्यथा जो है पेनाल्टी भी लग सकती है, या फिर आप जब टाइम पे आपको कुछ ज़रूरत लगेगी पैन कार्ड के साथ में कुछ एक्टिविटी करने की इनकम टैक्स की साइट पे, तो वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।